फोटो तो ठीक नहीं नहीं उमा उमा कभी कभी आइए आइए फिल्मी टुकड़ा कह रहा है चूंकि हम कीर्तन कलाकारों की मजबूरी होती है फिल्मी पंक्ति बताने की बिल्कुल इसी आधार पर हम आपको सवाल जवाब सुनाते हैं तो फिल्मी टुकड़ा कह रहा है क्या कह रहा है वाह 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 आदरणीय बड़े भैया श्री प्रमोद यादव जी सुदरिया से आदरणीय बड़े भैया श्री प्रमोद यादव जी सुदरिया खेड़ा समाजवादी पार्टी के सेक्टर प्रभारी हैं आप हमारे बड़े भैया की तरफ से 101 पत्र मुद्राएं बहुत बहुत धन्यवाद भैया को आदरणीय श्री आनंद यादव जी एडवोकेट जी श्री आनंद यादव एडवोकेट जी समाजवादी पार्टी से जोनल प्रभारी हीरो विश्वनाथ खेड़ा से आदरणीय बड़े भैया की तरफ से भी 101 पत्र मुद्राएं सभी को प्रणाम कर रहा हूं बहुत बहुत धन्यवाद है गीत सुनिएगा गीत सुनिए तर्ज आपने सुनी कि छोड़ेंगे न हम तेरा साथ साथी जन्म जन्म कह रही है जन्म जन्म तक भैया लेकिन मंच है माता रानी भगवती काली जी के नाम से उन्हीं का ये भंडारा हुआ और माता काली का पूजन हुआ तो हम कलाकारों का फर्ज बनता है कि कम से कम प्रथम प्रस्तुति उनके चरणों में समर्पण
तो आइए माता काली के चरणों में, माता भगवती जगत जननी के चरणों में अपनी तरफ से प्रथम पंक्तियां सुनिए। जब दानवों का अत्याचार बढ़ा, दुष्टों का, अब माता रानी ने किया क्या, सुनिएगा। कि रक्त बीज का सुनेगा मैं बोलता रहूंगा कि रक्त कौन, माता भगवती दुर्गा जी बड़े भैया निवेदन कर रहा हूँ समीप से भी गीत को सुनिएगा, सुनिए समनिया बहन जी आप भी सुनिएगा। कि रक्त बीज का रक्त है पीने को पी कराल कराली, माता दुर्गा ने काली का रूप बनाया बनाया, सुनिएगा। रक्त बीज का रक्त है पीने को पी कराल कराली, और दुष्टों का संहार तो कर दिया लेकिन माता रानी इतने क्रोध में हो गई, उनका क्रोध ही नहीं शांत हो रहा है। आप सभी फोटो में देखे होंगे, सीरियल के माध्यम से देखे होंगे, क्या क्या किले गए चरणों के नीचे, कौन स्वयं बाबा भोलेनाथ बालक का रूप बना कर किले गए चरणों के नीचे, जब संभली नहीं संभाली, संभली नहीं संभाले, तो अरे काली कोटी भुजाओं वाली रक्त पी रही भर भर प्याली, रक्त पी रही भर भर प्याली, तो माने चिप्या अरे लाल निकाली, कि माने चिप्या अरे लाल निकाली, अरे शैल सुता सुकुमार बनी सतयुग में काली, धन्यवाद। माता भगवती दुर्गा जी ने सतयुग में काली का रूप बनाया, तो सहेली सुता सुकुमार बनी सतयुग में काली, और ये हमारे सम्मानी कल्याणी ट्रेडर्स, कल्याणी ट्रेडर्स डुमरहर जिसके प्रोपराइटर हैं बड़े भैया आदरणीय श्री उत्कर्ष पांडे जी, आप बड़े भैया की तरफ से एक से एक पत्र मुद्रा इन पंक्तियों पर सादर प्रणाम कर रहा हूँ। अब अगली पंक्तियां सुनिएगा, शैल सुता सुकुमार बनी सतयुग में काली। अब दूसरी बात, दूसरी बात, सारे दुष्टों का नाश करते गए भगवान राम, जब महारावण से भेंट हुई, महारावण से भेंट हुई, सभी लोग कथानक जानते हैं। अब महारावण से पार नहीं पाए भगवान श्री राम, तो किसो सरवाले महारावण से जब रघुनंदन हारे, सौ सिरवाले महारावण से जब रघुनंदन हारे, हुआ सहन ना मासी
संहारे माता जानकी ने देखा कि इस महारावण के आगे तो हमारे स्वामी भी हार गए, तो माता सीता ने क्या किया सुनिएगा। सुनिए कि माँ ने भुजाली, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, कि माँ ने भुजाली थाम भुजाली पति पे अपनी अरे नजर जो डाली। राजेश भैया तो बिग बिग तो माँ भुजाली थाम भुजाली पति पे अपनी नजर जो डाली बिकट रूप धरे के बिकराली। माता जानकी ने काली का रूप बना, अरे जनक सुता रही मार बनी त्रेता में काली। क्या बात है गुरु, वाह। माता जानकी ने माता सीता ने काली का रूप बनाया और महारावण का संहार किया। तो जनक सुता हो जनक सुता रही मार बनी त्रेता में काली। सतयुग में माता शैल सुता भगवती काली का रूप बनाया, त्रेता में माता सीता ने काली का रूप बनाया। अब द्वापर में देखिएगा कि कृष्णा की बहना जो कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा था, भगवान कृष्ण तो स्वयं ही क्या बात। तो कृष्णा की बहना जो कृष्णा धरती रूप भयंकर, द्रौपदी ने काली का रूप बनाया। इस दृश्य को भीम ने देखा, जिनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। तो हो के भयातुर भीम है भागे काली स्वरूप निरख गए। तो द्रुपदी सुता की हुंकार बनी द्वापर में काली। क्या बात है, क्या बात है। द्रौपदी ने द्वापर में काली का रूप बनाया बनाया। द्रुपदी सुता की हुंकार बनी द्वापर में काली। जल्दी में अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं क्योंकि उधर का भी आप लोगों को इंतजार है। अंतिम पंक्तियां आज इस कलिकाल में तो कण कण में माता रानी समाई हुई है। रानी सती ने काली जैसा रण में रूप है धारा। और ये बहुमूल्य 501 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे आदरणीय बड़े भैया श्री भैरव प्रसाद मैनेजर जी, आलमपुर स्टेट बैसवारा लालगढ़ रायबरेली। आप जहां भी कीर्तन है वहां आपको पहुंचना है। गुड्डू भैया बहुत ही अच्छे श्रोता और बहुत ही अच्छे आयोजक हमारे भैरव भैया है। एक पंक्ति आपने लिखा है कि वीरों की धरती शहीदों का देश। निवेदन कर रहा हूं, पंक्ति सुनिएगा। वीरों की धरती शहीदों का देश, सबसे सुंदर बैसवारा लालगंज उत्तर प्रदेश। जोरदार। ये 501 पत्र मुद्राएं भारी भरकम मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं।
अच्छा ये अच्छा, बात और लिखी है कि जीवन में जो करो पूरे समर्पण के साथ करो, प्रेम करो तो मीरा की तरह, प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, भक्ति करो हनुमान की तरह, शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह और मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक पुरस्कार है, मैं अंत में बोल दूंगा, बस एक पंक्ति पढ़ लू। कि रानी सती ने काली जैसा रण में रूप है धारा, और महाप्रभु चैतन्य ने काली माँ का स्वरूप निहारा, माँ का स्वरूप निहारा। तो दादाजी बाबा जी, इन भक्तों की, जितने भी भक्त बैठे हैं समित के लोग माता काली के नाम से जागरण कर रहे हैं, तो इन भक्तों की माँ प्रतिपाली अम्मा काली की कृपा है पाली, अम्मा काली की अरे आभा निराली। सतयुग त्रेता द्वापर में मैंने दिखाया, अब इस कलयुग में अरे लेगी माँ अवतार प्रगट हो कल की में काली। तो लेगी माँ अवतार प्रगट हो कल की में काली, असैल सुता सुकुमार बनी सतयुग में काली, अजनक सुता सुकुमार बनी त्रेता में काली, अद्रुपद सुता की हुंकार बनी द्वापर में काली, अलेगी माँ अवतार प्रकट हो कल्कि में काली। धन्यवाद है। और प्रेम से बोले माता काली मैया की, सच्ची सरकार की, प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की। ये समाजवादी तस्वीर बनी है दिल के आईने में, क्या बात है बड़े वाह। बढ़िया के तेरी ही तस्वीर बनी है दिल के आईने में, तुझसे मोहब्बत करके लज्जत पाही गए जी तेरा साथ ओ साथी मरते दम, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, मरते दम नहीं अगले जन्म तक, अगले जन्म नहीं जन्म तक, सात जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ
गीत में आपने सुना छोड़ेंगे नाम तेरा साथ साथी मरते दम तक। गीत में आपने सुना कि कितनी कालियां भैया ने बताई, सतयुग में काली, त्रेता में काली, काली द्वापर में काली, काली और कलयुग में माँ का अवतार होगा काली का, कल्कि में होगा अवतार। कल्कि में आपने केवल ऐसे ही बता दिया कि होगा अवतार। मेरी तरफ से प्रयास देखिए, अब चूंकि देवियां तो बहुत है सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, लेकिन काली ही लाना पड़ेगा क्योंकि माँ काली के दरबार में खड़ी हूँ। तो और रंजीत भैया और देखिए कितनी काली कहाँ मिल रही है, सुनिए जवाब में, सुनिए सतयुग में कहाँ काली, त्रेता में कहाँ काली और द्वापर में कहाँ काली, कहाँ काली सतयुग में सुनिए। के चंड मुंड का वध करने को सतयुग में और भी तमाम कालियां हैं, कई काली आपको मिल जाएंगी बिल्कुल, लेकिन जरा देखिए ये कौन सी काली है, सुनिए। और जो आप रक्त बीज बता रहे हैं, रक्त बीज को मारने के लिए माता अकेली नहीं है, माँ ने अपने आप से काली का प्रादुर्भाव कर दिया और एक नहीं वहाँ दो देवियां हो गई, दो देवियां, एक सर को काट रही है, दूसरी उसके रक्त को चाट रही है, और वो भी एक काली। लेकिन यहाँ देखिए ये कैसी काली, देखिए चंड मुंड का पथ करने को बनी है वो महाकाली, बनी है वो महाकाली, बनी है वो महाकाली। और शुंभ निशुंभ को मिटाने खातिर माँ काली कंकाली, माँ काली कंकाली, माँ काली कंकाली। तो ये माँ करती क्या है, क्या के मुंड सजाली, रजी भैया मुंड सजाली और कर में भुजाली, के मुंड सजाली कर में भुजाली, लटकाली माँ ने लटकाली, लटकाली माँ ने लटकाली, क्या बात है वाह। और धारा से दुष्टों को करने को खाली, तो शक्ति से लेकर अवतार बनी सतयुग में काली। ये काली, इस काली का नाम है कौशिकी काली, नाम भी नोट करिएगा, आपको बता रही हूँ जो काली आपसे छूट गई, ये है कौशिकी काली। समझो तो शक्ति से लेके अवतार बनी सतयुग में काली, शक्ति से लेके अवतार बनी सतयुग में काली, शक्ति से लेके अवतार बनी सतयुग में काली। और भैया लोग सुन रहे हैं गौर से सुनिएगा, आखिर ये कौशिकी काली कौन है। हाँ। एक बार भोलेनाथ ने मैया को चिढ़ाया, मैया ने कहा कि हम तो गोरे गोरे हैं, आप तो काली काली हैं। मैया ने अपने नाखूनों से अपनी चमड़ी उधेड़ दी और माँ ने जो चमड़ी उधेड़ी तो माँ काली से तो गोरी हो गई। हाँ। लेकिन जो काली चमड़ी पड़ी है उस चमड़ी से काली पैदा हो गई, उसका नाम पड़ गया कौशिकी काली। मेरी पंक्ति कह रही है समझो, के मुंड सजाली और कर में भुजाली, तो लटकाली माँ ने लटकाली, धरा से दुष्टों को करने को खाली, शक्ति से लेती
अवतार बनी सत युग में का सती से लेके अवतार बनी सत युग में गारे सती से लेके अवतार बनी सत युग में गारे। एक काली और देखिए, और ये काली कहाँ है सुनिए। दक्ष पिता ने यज्ञ रचाया के दक्ष पिता ने यज्ञ रचाया तो कई जग जननी भवानी और रंजीत भैया प्रसंग को बहुत गौर से सुनिएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सतयुग का प्रसंग है, लेकिन ये त्रेता में आपको मिलेगा। राजा दक्ष ने अपने यहाँ यज्ञ कराया और सती कहने लगी, मैं भोलेनाथ से कहने लगी मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी ना, आप वहाँ मत जाइए, वहाँ हमारा कोई इन्विटेशन कोई निमंत्रण नहीं है। लेकिन मैया ने जिद की और मैया ने कहा मैं जाऊंगी। और मैया जब अपने पिता के घर में गई तो उन्होंने अपने पति का कोई स्थान नहीं देखा। जब कोई स्थान नहीं देखा और भोलेनाथ का अपमान देखा तो मैया ने अपने पिता के घर में ही अपने शरीर को त्याग दिया। जब भोलेनाथ को ये पता चला कि माँ ने अपने शरीर का दाह कर दिया तो भोलेनाथ ने किया क्या? क्या के सती हो गई यज्ञ कुंड में तो क्रोधित है भोले दानी क्रोधित है भोले दानी क्रोधित है भोले दानी तो हाल जो पाया और क्रोध है छाया के हाल जो पाया तो क्रोध है छाया और दिखलाई शिव जी ने माया से त्रिभुवन है थर्राया। भोलेनाथ ने अपने जटा का एक बाल पटका और आप सब लोग जानते हैं अगर ये काली आपको अच्छी लग जाए तो अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। भोलेनाथ ने जटा का बाल पटका तो उससे एक काली पैदा हो गई। देखिए एक संतान तो हो रही है, यानी दो पैदा हो रहे हैं, एक नर है एक नारी है। जटा का बाल पटका तो उससे वीर भद्र पैदा हो गए और उसी जटा के बाल से भद्र काली पैदा हो गए। तो लिखना पड़ा क्या के जिससे त्रिभुवन है थर्राया तो पटका जटा का शिवले बाल तो प्रगति बाल से काली के पटका जटा का शिवले बाल तो प्रगति बाल से काले सती से लेके अवतार बनी सतयुग में काले सती से लेके अवतार बनी सतयुग में काले। अंतिम पंक्ति सुनिए। क्योंकि आपने पहले गीत में युग दे दिया है, समय लगेगा। हाँ। पहले चरण में अगर युग ना देते तो छोटा जवाब करके चक्र पूरा कर देती भैया, लेकिन आपने पहले चक्र में चार चार युग दे दिए हैं तो तीसरी बात सुनिए। सुनिए एक बार श्री कृष्ण कन्हैया काली लाने का प्रयास कर रही हूँ। और त्रेता में अगर आप ढूंढेंगे तो एक बार हनुमान जी भी काली बन गए, हनुमान जी भी काली का रूप बना रहे हैं। भैया थोड़ा ढोलक वाला माइक देख लीजिए, बेस वाला सुनाई नहीं दे रहा है। हमारे साहिल भैया कह रहे कि एक बार श्री कृष्ण कन्हैया वन में बने थे काली बने
बनी थी काली, जग में बनी थी काली, जग में बनी थी काली। और काली एक नहीं है, तमाम काली है। और इसी कलयुग में पूजी जाती है, जैसे जैसे के शमशान काली कहीं सिद्धि काली, शमशान काली कहीं सिद्धि काली, कलकत्ते में बैठी वो मैया काली। ये भी लोग कहते जय काली, कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली, तो ये भी काली। तो चारों युगों में अवतार जो बन कर आई माँ काली, तो शक्ति से लेकर अवतार बनी सतयुग में काली, शक्ति से लेके कुछ कह रहे जय, कुछ बिल्कुल शांत बैठे हैं, जिन्हें तो आप माँ ने दिए, हमारी माताएं बहने भी आप